हाल के कुछ सालों में तुर्की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी टेलीविजन एक्सपोर्टर के रूप में मेक्सिको और ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन अगर अभी तक आपने कोई भी तुर्की ड्रामा नहीं देखा लेकिन देखना चाहते हैं तो परेशान ना हो, क्योंकि आज मैं आपको 40 तुर्की ड्रामो के नाम बताने वाली हूँ जिसे आप हिंदी डबिंग के साथ देख पाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर वीडियो। नंबर 1 वेयर एवर आई गो। ये स्टोरी सेलिन और डेमर की है। सेलिन एक यंग और एम्बिशियस लड़की है जो कि अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए खूब मेहनत करती है। वहीं डेमर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और अब्रॉड में काफी सालों से रह रहा है। लेकिन तकदीर इन दोनों को एक साथ ले आती है जब ये दोनों एक ही हाउस खरीदने के लिए जाते हैं। इस ड्रामे को आप एमएक्स प्लेयर पे देख सकते हैं। नंबर 2 माय होम माय डेस्टिनी। ये स्टोरी एक लड़की की है जो कि एक काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। उसकी माँ एक घर में साफ सफाई का काम किया करती थी, जहाँ की मालकिन उसे एक ऑफर देती है कि वो उसकी बेटी को अडॉप्ट करना चाहती है और उसके बदले वो उन्हें पैसे भी देगी। उसका बाप एक बहुत ही लालची आदमी था और पैसों की बात सुनते ही वो फौरन ही मान जाता है। और इस ड्रामे को आप एमएक्स प्लेयर पे देख सकते हैं। नंबर 3 ब्रेव एंड ब्यूटीफुल। सीजर ये मानता है कि तहसीन ने उसके पिता का मर्डर करके उनकी जायदाद को हड़प लिया है और अब वो आराम से जिंदगी काट रहा है, जिसके पास सीजर अपने पिता के मौत का बदला लेने का डिसाइड करता है और उनके पिता के जायदाद को हड़पने वाले की बेटी से प्यार का नाटक करता है। और इस ड्रामे को आप एमएक्स प्लेयर पे देख सकते हैं। नंबर 4 अर्तुगरुल। ये एक हिस्टोरिकल सीरीज है और एक हिस्टोरिकल सीरीज को देखना हमेशा ही इंटरेस्टिंग होता है। अर्तुगरुल सुलेमान शाह ऑटोमान एम्पायर के फाउंडर थे। ये सीरीज उन्हीं को फॉलो करती है। वो सेटल होने के लिए कुछ जमीन देख रहे होते हैं क्योंकि वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल किया करते थे और खेमा लगा के रहा करते थे। लेकिन इस जमीन को पाने के लिए उन्हें बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी मंगोल उनके पीछे लग जाते हैं तो कभी रोमन। और अर्तुगरुल तुर्किस्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन सीरीज है और इसे गेम ऑफ थ्रोन्स का दूसरा नाम भी कहा जाता है। और इस ड्रामे को आप एमएक्स प्लेयर के साथ साथ यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। नंबर 5 हेगी मोगलो। एटिस मोगलो अपने 40s के दशक के एक टैलेंटेड डॉक्टर हैं। वो अपने डिस्गस्टिंग एबिलिटीज में से अपने पेशेंट्स के साथ 1-to-1 रिलेशन बनाने के बजाय डायरेक्ट बीमारी पे फोकस करना पसंद करते हैं और यही वो बाकी डॉक्टर को भी सिखाना चाहते हैं। और इस ड्रामे को आप एमएक्स प्लेयर पे देख सकते हैं। नंबर 6 एंडलेस लव। पहले ही मुलाकात से रियान और किमाल एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। आगे ये दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, मगर इन दोनों के बीच एक बिजनेसमैन एमिर आ जाता है जो कि रियान को पसंद करता है। आगे फिर एमिर को रियान के एक कमजोरी का पता चलता है जिससे वो रियान को ब्लैकमेल करता है कि वो उससे शादी कर ले। और इस ड्रामे को आप एमएक्स प्लेयर पे देख सकते हैं। नंबर 7 द प्रॉमिस। ये स्टोरी दो कपल को फॉलो करती है जो कि एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन मजबूरन इन दोनों को एक दूसरे से शादी करनी पड़ती है, जबकि ना कि इन दोनों में प्यार है और ना ही ये एक दूसरे को जानते हैं। और इस ड्रामे को आप एमएक्स प्लेयर पे देख सकते हैं। नंबर 8 माय लिटिल गर्ल। ये स्टोरी 8 साल की एक लड़की ओक्यू की कहानी है जिसे बचपन से ही एक बीमारी है, जिसके बाद डेमिर जो कि उसके पिता है अचानक उन्हें अपनी बेटी के बारे में पता चलता है, जिसके बाद एक बाप अपनी बेटी को पाने के लिए कोर्ट कचहरी के पीछे लग जाता है। और इस ड्रामे को आप एमएक्स प्लेयर पे देख सकते हैं। नंबर 9 रेस्टलेस विंड। ये स्टोरी मेलिके कैंडन की है जो कि 80s के दशक की एक बड़ी सुपरस्टार थी, लेकिन अब एक बार में टॉयलेट साफ करने का काम करती है, जहां वो गोकचे युगल से मिलती है जिसके बहुत बड़े बड़े ख्वाब है फ्यूचर को लेकर। और यहां पर वो दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो उसे वार्न करती है कि वो कोई बड़े ख्वाब ना देखे। और इस ड्रामे को आप एमएक्स प्लेयर पे देख सकते हैं। नंबर 10 क्रैश। कादिर एक ऑफिसर है जिसने टेररिस्ट अटैक में अपनी बीवी और बच्चे को खो दिया होता है और दोनों की मौत का कसूरवार वो खुद को मानता है, जिसकी वजह से वो भी मरना चाहता है। पर एक दिन कार क्रैश होता है जिसमें कादिर के साथ साथ 3 और लोगों की जिंदगी भी बदल जाती है और यहाँ से कादिर को जीने का मकसद मिलता है। और इस ड्रामे को आप एमएक्स प्लेयर पे देख सकते हैं। नंबर 11 द चॉइस। ये स्टोरी इरफान को फॉलो करती है जो कि एक आइडियलिस्टिक प्रोफेसर है
लेकिन अपनी जॉब जाने की वजह से काफी ज्यादा अपसेट होता है और अपने बीमार बेटे की देखभाल करने की कोशिश करता है, लेकिन एक के बाद एक सारे दरवाजे इसके लिए बंद हो जाते हैं, जिसके बाद इरफान खुद को अकेला फील करता है, जहां से वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। और इस ड्रामे को आप तुर्किस 123 पे देख सकते हैं। नंबर 12, लिटिल लॉर्ड। ये स्टोरी मेहमत की है, जो कि एक छोटा बच्चा है और काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसकी पेरेंट्स डिवोर्स लेने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। और इस ड्रामे को आप यूट्यूब के साथ साथ एमएक्स प्लेयर पे देख सकते हैं। नंबर 13, डे ड्रीमर। ये स्टोरी सनीम को फॉलो करती है, जिसे दो चॉइसेस दिए जाते हैं कि या तो वो अपने मोहल्ले की एक लड़की से शादी कर ले, या तो कोई ढंग की जॉब ढूंढ ले, जिसके बाद वो सेकेंड ऑप्शन को चूज करती है और उसे अपने ही बहन के ऑफिस में जॉब मिल जाती है, जहां उसे अपने ही बॉस से प्यार हो जाता है। और ये ड्रामा हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि जिसने भी इस ड्रामे को देखा है वो इसे दोबारा जरूर देखना चाहते हैं। और इस ड्रामे को आप एमएस प्लेयर के साथ साथ यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। नंबर 14, प्यार लफ्जों में कहा। ये स्टोरी दो ऐसे लोगों को फॉलो करती है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ मुराद एक टेक्सटाइल कंपनी का ओनर है, तो दूसरी तरफ हयात एक जॉब की तलाश में घूम रही होती है। आखिरकार उसे मुराद की कंपनी में जॉब मिल जाती है, पर दूसरी की आइडेंटिटी पर। और यहाँ पर दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती, लेकिन आगे दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और इस ड्रामे को आप यूट्यूब के साथ साथ एमएक्स प्लेयर पे भी देख सकते हैं। नंबर 15, ये स्टोरी फिजा की है, जो कि अपनी जॉब और सिबलिंग्स के बीच फंसी हुई है। आगे फिर उसकी मुलाकात बासित से होती है, और पहले ही मुलाकात में बासित फिजा को पसंद करने लगता है, पर फिजा बासित को लेकर श्योर नहीं होती। इसी वजह से फिजा बासित से दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन बासित उसे दूर होना बिल्कुल भी नहीं चाहता और उसका दिल जीतने की भरपूर कोशिश करता है। और इस ड्रामे को भी आप यूट्यूब के साथ साथ एमएक्स प्लेयर पे देख पाएंगे। नंबर 16, रिवेंज। दो ऑफिसर्स लैला और जैनब दोस्त होते हैं। वो दोनों एक बिजनेसमैन जिहान से सालों पहले हुए एक हादसे का बदला लेना चाहते हैं। आगे उन्हें जिहान से बदला लेने का मौका मिलता है, जब उन्हें जिहान के घर में एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। और इस ड्रामे को आप यूट्यूब पे देख पाएंगे। नंबर 17, एक हसीन इंतकाम। माहिन और शाहान सेम कॉलेज में पढ़ते हैं। एक दिन शाहान माहिन को अपने दिल की बात बताता है, पर माहिम उसका सबके सामने मजाक बना देती है और उसे रिजेक्ट कर देती है। लेकिन सालों बाद डेस्टिनी इन दोनों को फिर से मिलाती है, और इस ड्रामे को आप यूट्यूब पे देख पाएंगे। नंबर 18, हरजाई। मिरान की दादी उसे हमेशा से सुदुलो फैमिली से बदला लेने के लिए बताते आई है, जिसने उसके पेरेंट्स को मार दिया था। आगे सुदुलो फैमिली से बदला लेने के लिए मिरान रियान से प्यार का नाटक करता है, जो सुदुलो फैमिली से बिलोंग करती है, और उसे शादी के दिन ही छोड़ देता है। और इस ड्रामे को आप यूट्यूब पे देख पाएंगे। नंबर 19, कुजगुन। कुजगुन के पिता को ड्रग्स के केस में कुछ माफिया फंसाकर जेल में पहुंचा देते हैं, जहां उसकी मौत हो जाती है। आगे 20 साल के बाद कुजगुन अपने पिता का मौत का बदला लेना चाहता है, और साथ ही वो उन्हें बेकसूर भी साबित करना चाहता है। और इस ड्रामे को भी आप यूट्यूब पे देख पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माई डेंजरस वाइफ। क्या होगा जब सैदा को पता चलेगा कि उसके हस्बैंड का कहीं और अफेयर चल रहा है, और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर उसे मार देना चाहता है पैसों के लिए। और ये पता चलने के बाद सैदा क्या करेगी। और इस ड्रामे को भी आप यूट्यूब पे देख पाएंगे। स्ट्रॉबेरी स्मेल, ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। ये स्टोरी है बुराक और असल की। दोनों ही अलग फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। आगे दोनों ही एक दूसरे से पसंद करने लगते हैं, लेकिन आगे क्या होगा जब इनके रिलेशनशिप के बारे में इनकी फैमिली को पता चलेगा, जानने के लिए देखिए स्ट्रॉबेरी स्मेल। और इस ड्रामे को आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। मरियम, ये एक रोमांटिक ड्रामा है। ये स्टोरी है मरियम और सवाज की। एक रात मरियम की गाड़ी से एक लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उस लड़की की मौत हो जाती है। जिसके बाद उस लड़की का फियांसे सवाज मरियम से बदला लेना चाहता है, पर आगे क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि वो एक्सीडेंट मरियम ने नहीं बल्कि ओक्टाय ने किया था। इस ड्रामा सीरीज को भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। माई लेफ्ट साइड, ये एक रोमांटिक तुर्किस ड्रामा है। ये स्टोरी है सैरा और सलीम की। दोनों ही आर्किटेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं। सैरा अपनी माँ के साथ रहती है और वो पार्ट टाइम क्लीनर की जॉब भी करती है। दूसरी तरफ सलीम एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा है और अपने कॉलेज में काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। दोनों ही पहली मुलाकात में बहस करने लगते हैं कार पार्किंग को लेकर, और आगे जाकर दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, जबकि दोनों अलग फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं।
दोनों के पास ही ऐसे सीक्रेट्स हैं जिसकी वजह से दोनों काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए माय लेफ्ट साइड। ये ड्रामा सीरीज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है लेकिन इंडिया में अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आपको www.turkishdrama.com पे विजिट करना होगा और वहां जाके आप ये ड्रामा सीरीज को देख सकते हैं। फुल मून ये एक बेहतरीन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है और ये स्टोरी है नज़ल और फ़ारिद की। नज़ल जो कि गैस्ट्रोनॉमी की स्टडी कर रही है और वो एक स्किल शेफ बनना चाहती है। आगे उसकी जिंदगी में नया मोड़ आता है जब उसे एक पार्ट टाइम जॉब मिलती है एक बिजनेसमैन फरीब के घर में। आगे फरीम नज़ली को पसंद करने लगता है मगर उसे एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो क्या लगता है आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए फुल मून। ये ड्रामा सीरीज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। इश्क, अज़रा जो कि कैरिम से प्यार करती है और शादी करना चाहती है लेकिन अज़रा की मदर ये बिल्कुल नहीं चाहती और अज़रा को कैरिम से रिश्ता खत्म करने को कहती है, जिसकी वजह से अज़रा कैरिम से छुपकर मिलने लगती है। पर दोनों की लाइफ चेंज हो जाती है जब शबनम की एंट्री होती है जो काफी ज्यादा रिच है। शबनम कैरिम को पसंद करने लगती है। अज़रा को ये पता चलता है कि शबनम को एक सीरियस बीमारी है और वो सिर्फ 6 महीने जिंदा रह पाएगी, जिसके बाद अज़रा कैरिम को शबनम से शादी करने को कहती है ताकि वो उसका इस्तेमाल कर पाए। लेकिन आगे क्या होगा जब शबनम को ये सच्चाई पता चलेगी जानने के लिए देखिए इश्क। और ये ड्रामा भी यूट्यूब पे अवेलेबल है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। डियर पास्ट ये कहानी है 3 बहनों की, सानिया, जैनब और सनम, जो एक दूसरे के बारे में नहीं जानती। एक दिन सनम को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो एडॉप्टेड है और उसकी 2 बहनें भी हैं, जिसके बाद सनम जैनब और सानिया को लेटर लिखती है कि वो दोनों उसकी शादी पर आए। और आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए डियर पास्ट। ये ड्रामा भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। ब्लैक पुल, हेज़ल और कैनन एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दिन वो वादा करते हैं कि चाहे जो हो जाए वो एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन वोरल के आने के बाद सब कुछ बदल जाता है। वोरल किसी भी हालत में हेज़ल को पाना चाहता है। आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए ब्लैक पर्ल। ये ड्रामा सीरीज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। होम माई डेस्टिनी ये एक नॉवल बेस्ड तुर्किश ड्रामा है और ये स्टोरी है जैनब की, जो लॉ की पढ़ाई कर रही है पर वो अपने पास्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है और फिर उसके बर्थडे के दिन फारूक उसे प्रपोज करता है। लेकिन आगे क्या होगा जब उसकी मुलाकात होगी मेहदी से जो कि एक मैकेनिक है जानने के लिए देखिए माई होम माई डेस्टिनी। ये ड्रामा सीरीज MX प्लेयर पे अवेलेबल है। माई लिटिल गर्ल, ओइको जो 8 साल की है और एक्सेप्शनल लड़की है जो अपनी आन के साथ रहती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में होती है क्योंकि उसकी आन घर का सारा काम उससे करवाती है। ओइको अपने फादर को ढूंढना चाहती है और पुलिस स्टेशन पहुंचती है। देमिर जो कि ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में बंद है उसे रिलीज किया जाता है इस कंडीशन पे कि वो अपनी बेटी का ख्याल रखेगा, लेकिन देमिर ओइको के साथ नहीं रहना चाहता। और आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए माई लिटिल गर्ल। और ये ड्रामा भी MX प्लेयर पे अवेलेबल है। स्टिल आई हैव होप, उम्मीद जो अपनी माँ, भाई, स्टेप फादर और स्टेप फादर के बच्चों के साथ एक मोहल्ले में रहती है। उम्मीद एक पार्लर में जॉब करती है और नॉर्मल लाइफ जी रही है। लेकिन क्या होगा जब ओजान की एंट्री होगी उसके लाइफ में जानने के लिए देखिए स्टिल आई हैव होप। और ये ड्रामा यूट्यूब पे अवेलेबल है। हाई सोसाइटी ये एक रोमांटिक ड्रामा है और ये स्टोरी है कैरिम और जानसू की। कैरिम एक यंग और हार्ड वर्किंग लड़का है जो कि गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। वही जानसू काफी ज्यादा अमीर है लेकिन उसकी फैमिली उससे प्यार नहीं करती क्योंकि वो उन्हें अनलकी मानते हैं। आगे क्या होगा जब कैरिम की मुलाकात होगी जानसू से जानने के लिए देखिए हाई सोसाइटी। और ये ड्रामा भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। द प्रोटेक्टर ये एक फैंटेसी सीरीज है और ये स्टोरी है हकान की, जो कि नॉर्मल लाइफ जी रहा है और ड्रीम है कि वो अपने फैमिली बिजनेस को एक्सपैंड कर सके, ऑल्सो अपने सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। हकान के एडॉप्टिव फादर नेसर के मरने के बाद हकान को इस बात का पता चलता है कि वो सीक्रेट एंसेंट ऑर्डर से कनेक्टेड है जिनका मकसद इस्तांबुल की हिफाजत करना है। हकान केमेल और उसकी बेटी की मदद करता है जो कि इस सीक्रेट एंसेंट ऑर्डर के मेंबर है। इस सीरीज के टोटल 4 सीजन्स है और इसे आप नेटफ्लिक्स पे देख पाएंगे। लव फॉर रेंट ये एक रोमांटिक तुर्किश ड्रामा है और ये कहानी है उमर और डेफने की। डेफने अपने भाई की वजह से बहुत ही ज्यादा कर्ज में डूबी होती है और वो वेट्रेस की जॉब करती है। वहीं दूसरी तरफ उमर एक अमीर बिजनेसमैन है।
दोनों की मुलाकात एक रेस्टोरेंट में होती है और आगे जाकर उमेर की आंटी चाहती है कि डेफने उमर के साथ प्यार का नाटक करे 6 मंथ के लिए और झूठी शादी भी करे ताकि वो प्रॉपर्टी अपने नाम कर सके। पर क्या ये सच में पॉसिबल होगा, जानने के लिए देखिए लव फॉर रेंट। ये ड्रामा सीरीज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। एक्सीडेंटल लव ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है और ये कहानी है जीवान और शिमाल की। जीवान जो कि एक प्ले बॉय है जिसके पिता की ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और शिमाल अपने पिता की मर्जी के खिलाफ इस्तांबुल पढ़ाई के लिए जाती है। मगर यहाँ शिमाल को किनार से प्यार हो जाता है, दोनों इंगेजमेंट भी कर लेते हैं, लेकिन आगे जाकर किनार शिमाल से शादी करने से इनकार कर देता है, जिसके बाद शिमाल बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। दूसरी तरफ जीवान भी नजीर से शादी कर चुका है जो प्रेग्नेंट होने का नाटक करती है, और जब ये बात जीवान को पता चलती है कि नजीर प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है तो वो उसे डिवोर्स दे देता है। जीवान और शिमाल जब गुस्से में कहीं जा रहे होते हैं तो दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और आगे एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जीवान और शिमाल की फैमिली के बीच। आगे क्या होता है जानने के लिए देखिए एक्सीडेंटल लव। और ये ड्रामा सीरीज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। जालिम इस्तांबुल, शहर जो इस्तांबुल में अपने 3 बच्चों के साथ रहती है और खुद ही 3 बच्चों की परवरिश कर रही है, लेकिन अचानक शहर आगा से मिलती है जो सबकी लाइफ को इफेक्ट करता है। आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए जालिम इस्तांबुल। ये ड्रामा सीरीज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। सो गाइस, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसी लगी है कॉमेंट करके जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।